हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खान बाबा के बारे में, जो कि अपने आप को क्लेम करता है कि ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, बट इनकी वीडियो से साफ पता चलता है कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये तो टूट गई। साफ साफ चेन में एक कट का निशान दिख रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार। पर इस खान बाबा को लगता है कि दुनिया तो पागल है, दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये हर एक वीडियो में एक कट लगाते हैं और शो करते हैं कि ये एक झटके में सब तोड़ देते हैं। ये भाई साहब ऐसे दिखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जी हाँ, अंदर से एक नकली बॉडी सूट पहनते हैं, तकिए और चादरें भर भर के रखते हैं, जिससे कि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन दिखें। बात यही नहीं रुकती, ये भाई साहब इंडिया को और द ग्रेट खली को चैलेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इंडिया से बहुत सारी फुटेज मिलती है और इनका नाम दुनिया भर में फेमस होता है, वो भी सिर्फ इंडिया की वजह से। ये मैसेज फिर से इंडिया के लिए और उनके ग्रेट खली के लिए। खली, तुमने मुझे जवाब दे दिया लेकिन मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दिया। तुमने वीडियो में सिर्फ मेरे बारे में बातें की है। मैंने तुम्हें एक रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज किया था और तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। खली, हाँ या ना जवाब चाहिए मुझे, और बातें तुम छोड़ो। खान बाबा, पहली बात, वो द ग्रेट खली है, कोई एरा गैरा नहीं। दूसरी बात कि तुमने चैलेंज कर तो दिया, बट ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ही ले। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि जॉन सीना आके मेरे से लड़ो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे से आके लड़ेगा। खान बाबा, इतना तो दिमाग लगाओ प्लीज। मेरा ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए है। बेटा, ये बंदूक अंदर ही रख ले, कहीं सच में इंडिया के चीफ ने ये वीडियो देख लिया तो तेरा तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है। तुम हर हमेशा पाकिस्तान को चैलेंज सिर्फ करते आ रहे हो। मैंने तुम्हारे ग्रेट खली को चैलेंज किया है, तुम लोग इतने बेगैरत हो गए, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया। क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा तेरा चैलेंज? क्यों इंडिया तैयार करेगा खली को, वो भी तेरे से लड़ने के लिए, जिसके अंदर गुब्बारे भरे हुए? कुछ तो ख्याल कर ले, क्या बोल रहा है तू? अभी भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार तो डॉन के लिए 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी। ये तो मैंने नया डायलॉग सुन लिया तेरे से कि तू खली का इंतजार कर रहा है। खान बाबा फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच इज 440 केजी वेट। ध्यान से देखिए, ये CNN पर लाइव आ रहे हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कर रहे हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। वाह रे खान बाबा वाह, क्या एडिटिंग है वीडियो की। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन Yesterday he did the history he made for world weightlifting new record in America Weightlifting Championships 2017. The weightlifting new record is 400 kg. It's a new personal best, but more importantly, it's a new world record. Rakh de apna nakli weights niche, kahin usi se dard na ho jaye tere. एक तो ये आदमी इतना चिल्लाता है कि कान में नहीं बॉडी के हर अंग में दर्द हो जाए। भाई ध्यान रखना, कुछ नीचे से ना निकल जाए। ये बाल से आएगा, बाल से किसी हाथ नहीं लगाऊंगा, बॉडी का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, देखे क्या हो। ओके, जुम करो, जुम करो, जुम करो। पकड़ ही लिया ना। क्या, कोई नहीं कार में? अरे पीछे तो होगा कोई। बस कर भाई, अगर मैंने इसका पूरा वीडियो देख लिया तो इसका गाड़ी का तो नहीं पता, बट मेरे पेट में हलचल जरूर मच जाएगी और मेरे को बाथरूम जाना पड़ जाएगा। टू फ्रेम, वन फ्रेम कंटेंट्स 10 kg, द अदर इज आल्सो 10 kg, द पाइप इज आल्सो 10 kg, सो इट इज द होल वेट इज 530 kg। अच्छा, 550 kg। देखते हैं देखते हैं, चलो चलो चलो। ये इनका वार्म अप था।
खान बाबा पूरी वीडियो तो शूट कर लेता और इतने कट्स क्यों हैं तेरी वीडियो में? आखिर पब्लिक को कैसे उल्लू बनाएगा तू? अगर हेल्पर को पूरे पैसे दिए होते तो ये नौबत नहीं आती। आखिर हाथ तो वही लगा रहे हैं ना साइड में। जब खान बाबा ऐसे चैलेंजेस से थक गए तो वो फूड चैलेंज पे आ गए। ये देखिए। Assalamualaikum viewers, this is me, the world's strongest man, Khan Baba. And today's challenge is watermelon challenge. हाँ दिख रहा है, आगे बता। Each watermelon is 5 kg and we will eat it. So 15 kg just in 1 or 2 minutes. The challenge starts right now. ये कट मारा तरबूज पे ही नहीं, वीडियो पे भी कट मारा। अब ये भाई साहब तरबूज खाते टाइम भी कट मारेंगे वीडियो पे। ये देखिए। तू खाता रहे और हम चलते हैं, क्योंकि तेरी इन वीडियोस अब साफ साफ क्लियर हो गया है कि तू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं, तू वर्ल्ड फेकेस्ट मैन है। So guys, if you like this video, please subscribe to my channel. Share the video among your friends. Till then, milte hain next video mein. Bye-bye.